दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड जहां पर आपको कंटिन्यूसली पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर लोअर सर्किट के पीछे की एक बड़ी वजह देखी जा रही है और साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तीन बड़ी अपडेट्स आज के दिन निकल कर आई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आपको क्या स्ट्रेटेजी ट्राइडेंट के अंदर लेकर चलना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय आ गया है या अभी और लॉन्ग टर्म तक आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले अपडेट्स की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं आपको डेट कंफर्म करवा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2021 यानी कि आज ही के दिन की यह न्यूज है, जिसमें आप देख सकते हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स अंडर द यूएस जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस। तो यहां पर मेनली ये जो न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, ये दो सेक्टर्स को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर एंड लेदर इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली कीन ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स और लगभग 6 बिलियन US डॉलर का बेनिफिट आपको इस रिस्टोरेशन के थ्रू देखने को मिल सकता है। कंपनी न्यूज भी आप देख सकते हैं, देयर पिच कम्स आफ्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मेड अ रिन्यूड पुश ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ दिस बेनिफिट्स। तो यहां पर जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 के अंदर जो इंडिया का नाम है वो यहां पर यूनियन ट्रेड पॉलिसी फोरम में से बाहर कर दिया था, जिसको लेकर यहां पर अब हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी न्यूज हमें आज के दिन ये आते हुए देखने को मिल रही है। अगली अपडेट्स की बात करें तो वो भी आज ही के दिन टेक्सटाइल सेक्टर से निकलकर आई है। आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2021 आज ही के दिन की ये न्यूज है। जो यहां पर अगली न्यूज निकलकर आई है वो भी आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल कमेटी सेक्रेटरी अजीत चावन की तरफ से ये न्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल का यहां पर मुंबई के अंदर इनॉग्रेशन किया है और इसके पीछे का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कंपनी को यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर को फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल ग्रोथ अचीव करवाना है। तो यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अब हमारी गवर्नमेंट काफी बुलिश तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में जो टेक्सटाइल कमिटी है इंडिया के अंदर वो भी काफी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव स्टेप्स उठाते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कंप्लीट न्यूज मैंने आपके सामने ओपन कर ली है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री टुगेदर आफ्टर अ 2 ईयर स्पेंड, तो कंप्लीट 2 साल बाद हमें यह बड़ी न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। और तीसरी बड़ी अपडेट, जैसा कि आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो 5% से 12% GST करने का यहां पर ऑर्डर आया गया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से अगर काउंसिल मीटिंग के अंदर अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अभी ये जो न्यूज है, ये जो अपडेट्स है, ये बहुत ज्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 14 घंटे पहले की न्यूज है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू अपोज GST हाइक, इंडस्ट्री प्रोटेस्ट अगेन GST हाइक ऑन टेक्सटाइल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहां पर जो GST को यहां पर रिड्यूस करने के लिए प्रोटेस्ट हमें चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो दिसंबर मंथ में हमें काउंसिल मीटिंग देखने को मिलने वाली है, उस काउंसिल मीटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि इससे अगर यहां पर GST हाइक होती भी है तो इससे ट्राइडेंट लिमिटेड को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ट्राइडेंट का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी टेक्सटाइल में ही नहीं बल्कि पेपर्स, केमिकल्स काफी सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क इस न्यूज से बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। अब बात करें कि ट्राइडेंट के अंदर जो आज के दिन आपको अगेन लोअर सर्किट देखने को मिला, यानी कि कल के दिन भी आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला था, आज के दिन भी आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट को जब से ASM लिस्ट की स्टेज 2 के अंदर डाला गया है, यानी कि SEBI इस पर जो कार्यवाही कर रही है उसे और ज्यादा यहां पर टाइट करते हुए देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से यहां पर चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी ऑपरेटर का गेम तो हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण से आपको यहां पर अब हमें शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि यदि आपका ट्राइडेंट के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको किसी प्रकार से यहां पर पैनिक नहीं लेना है। जब भी इन्वेस्टर को मौका मिल रहा है, काफी बड़ी बल्क डील्स हमें कंटिन्यूसली बेसिस पर ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रही है,
जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ट्राइडेंट की तरफ से मांगा गया है, कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ट्राइडेंट की तरफ से सबमिट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको अगेन इस शेयर्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। 26,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जिसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम हमें कंटिन्यूसली शानदार देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी एनएससी और बीएससी में लगभग 4 करोड़ प्लस क्वांटिटी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुकी है और आप देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ क्वांटिटी आज के दिन भी डिलरेबल बेस पर ट्रेड हुई है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इस शेयर्स के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कंटिन्यूसली इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। भले ही आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक में सेलिंग की क्वांटिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो ट्राइडेंट के अंदर फिश बाएंगे वो बहुत ज़्यादा तेजी से यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि ट्राइडेन के अंदर जो लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहे हैं तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से यानी कि एमओएस के हिसाब से तो ट्राइडेन का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये शेयर्स आपको बहुत जल्दी 500+ देन 800+ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अब आपको किन सपोर्ट लेवल को ध्यान रखना है। पहला सपोर्ट है 52.97 रुपये का, दूसरा सपोर्ट है 51.23 रुपये का और तीसरा सपोर्ट है 47.77 रुपये का। इन सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म में आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो शेयर्स के अंदर अगर अपर सर्किट लगता है या फिर तेजी आती है तो पहला रेजिस्टेंस है 58.17 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस है 61.63 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस है 63.37 रुपये का। इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस शेयर्स को बाय ऑन डिप करते हुए चलने की। एक चीज हमेशा से पॉजिटिव यहां पर हमें देखने को मिलती है कि यदि आप रिटेल इन्वेस्टर्स के जितने भी कमेंट्स देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर्स को लेकर हमेशा से काफी बुलिश देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक कमेंट्स को देखेंगे तो यहां पर एक हमारे एक्सपर्ट्स को लेकर जो यहां पर कमेंट आते हुए देखने को मिल रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये शेयर हमें 46 से 47 रुपये पर देखने को मिलेगा लेकिन दिसंबर तक ये 60 रुपये पर भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर इन्वेस्टर काफी ज्यादा बुलिश है इस शेयर को लेकर। क्यों ना हो, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी हमें देखने को मिलती है, फाइनेंशियल नंबर्स भी काफी स्ट्रांग है और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी 100% तक हमें यहां पर इसको फेवर में ही देखने को मिलता है। अभी भी 2 दिन के लोअर सर्किट के बावजूद इस शेयर्स को लेकर 78% बाय की कॉल और 6% होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है। यानी कि एनालिस्ट भी इस शेयर्स को लेकर काफी ज्यादा खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मिड कैप से रिलेटेड ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। साथ ही साथ PLI स्कीम का बेनिफिट भी ट्राइडेंट को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप लॉस में भी हैं तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को आप कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं और अगर आप प्रॉफिट में भी बैठे तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ट्राइडेंट से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।